योगिक सूक्ष्म व्यायाम स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का टेक्स्ट बुक है, जिसमें इन्होंने 48 क्रियाओं का वर्णन किया है। साथ ही साथ इसमें 48 क्रिया हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, जो कि हमारा ऊपर से नीचे तक का दर्शाता है। पूरे बॉडी एक एक पार्ट का एक एक क्रिया है। और स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के संस्थापक भी रहे हैं। उन्होंने ही मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को बनाया और वहाँ इस क्रिया को इस्टेब्लिश किया। अब मैं इस क्रिया के बारे में बता देती हूँ। इसमें हमारी 5 प्रकार की दृष्टि यूज होगी। हम 5 प्रकार की दृष्टि इसमें रखते हैं। सबसे पहली दृष्टि होती है समदृष्टि। समदृष्टि सामान्य दृष्टि बोला जाता है, जिसे सबसे सीधा रख के एक टक एक वस्तु पे देखा जाता है। दूसरी दृष्टि होती है भ्रूमध्य दृष्टि, जो कि हमारी आज्ञा चक्र के बीच में देखा जाता है, दोनों भाव के बीच में। तीसरी दृष्टि होती है हमारी अर्ध उन्मेष दृष्टि, जो सिर्फ एक ही क्रिया में यूज की गई है इस व्यायाम की बुक में। अर्ध उन्मेष मतलब आपके पैरों से 4.5 फीट आगे, 4 गज आगे, 1.5 दूरी पे अर्ध उन्मेष। जैसे कि आप गुरु नानक जी को देखे होंगे, उनकी दृष्टि बंद नहीं रहती है, अर्ध उन्मेष रहती है नीचे की ओर। चौथी दृष्टि होती है नासाग्र दृष्टि, जो कि आपके नाक के टिप पॉइंट पे रहेंगी। पांचवी दृष्टि होगी नेत्र बंद, हमारा जो नेत्र है वो बंद रहेगा। अब चलिए आ जाते हैं सर पहली क्रिया पे। फोटो भी दिखाइएगा सर पहले। सबसे पहली क्रिया है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि विशुद्धि चक्र कहाँ पे होता है, हमारे कंठ पे। उच्चारण स्थल, हम हमारे मुख से उच्चारण करते हैं किसी भी वाणी का, उसको बोलते हैं। इस क्रिया को सबसे पहले करने के लिए हम सम खड़े हो जाते हैं, साथ ही साथ अपने 4 अंगुल और 1 अंगुल से अपने गले पे हाथ रख के हम नापते हैं, जैसे कि क्रिया में दर्शाया है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से वापस आ जाते हैं और सम रहेगा उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि क्रिया। मतलब आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस है सर। इसका प्रोसेस आप पढ़ लेंगे। कैसे रहना है ऐसे? हाँ जी, ये 4 उंगली रहेगा। हाँ। साथ में 1 उंगली से नापेंगे। ओके। तो हमारा जो फेस है वो सीधा जाएगा। अच्छा। और फिर ऊपर से बैठ आएगा। हाथ के ऊपर हाथ नहीं रहेगा ना, ये नीचे ना। एक उंगली थोड़ा पास में दिखाइए प्लीज, थोड़ा पास में दिखाइए। ये हाथ रहने का 4, ये 1। ओके। अच्छा ओके,
दिस वन वन ओके हाँ ठीक है ओके समझ में जी सर पढ़ रहे हैं क्या आप नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ बस ये मैंने लगा दिया ना स्थिति क्रिया विशेष लाभ अच्छा ठीक है इसमें जो बोला है इसमें कोई ऐसे खास नहीं रहेगा आपका इस आपका विशुद्धि चक्र पे ध्यान रहेगा और तो और आपकी जो दृष्टि रहेगी वो सम रहेगी सम दृष्टि ठीक है इसका मेन आपका क्वेश्चन आएगा कि पहली क्रिया का नाम क्या है बस यही आएगा और इस पे कंठकूप पे चतुरंग उंगली से आपको रखना है जैसे कि आपने देखा मुख को बंद रखेंगे ग्रीवा को समावस्था में फिर पीछे और झुकते हुए नेत्रों का ये आपका उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि सर सेकंड क्रिया मैम सेकंड है अभी करवाया ना तो मेरे कॉलेज में ना ये उंगली से ढकवाते नहीं थे सिर्फ ऐसे ही करवाते थे ये मैम उंगली से ढकवाते नहीं है ये उंगली से गले को नापने का तरीका है कई लोगों का फेस नीचे हो जाता है कई लोगों का ज्यादा ऊपर हो जाता है तो ये नापने का तरीका बताया गया है उसके तो बाद फिर इनहेल और एक्सहेल स्टार्ट होता है ओके हाथ हटा के ना हाँ जी मैंने हटाया ना ऊपर से वापिस लाया जो समदृष्टि हम रखेंगे समदृष्टि करने के लिए हम पहले अपने गले को सीधा रख के नापने का तरीका है हाँ जी दूसरी क्रिया है योगिक प्रार्थना योगिक प्रार्थना जैसे हम सूर्य नमस्कार में नॉर्मल प्रार्थना करते हैं बस इसमें क्या है हमारा दृष्टि बंद रहेगा और साथ में हमारी जो साइड में मनोवह नाड़ी होती है नाड़ी को प्रेस करते हैं मनोवह नाड़ी कहाँ पे है मनोवह नाड़ी ये जो साइड हमारा जो पार्ट होता है जहां से हम ग्लूट मसल को ना यस ओके ठीक है मेन इसमें हम पूरा हिंदी का कंटेंट ही यूज करेंगे और हिंदी में ही आता है ये इंग्लिश कोई टर्म यूज नहीं होगा तीसरा आ जाएगा बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया इसका स्थिति आप पैरों को परस्पर मिले हुए होंगे पैरों से स्कंध तक का विभाग सरलता से सीधा रखते हुए मुख बंद करके सिर को पीछे की ओर पूर्ण रूप से झुकावे नेत्र को पूर्ण रूप से खोलकर आकाश की ओर देखते हुए खड़े रहें इसके आपका जो ध्यान रहेगा वो शिखा मंडल पे रहेगा शिखा मंडल आप सभी जानते होंगे जहाँ पे पंडित शिखा रखते हैं शिखा मंडल पे और लोहार की धोकनी जैसे हम फर्स्ट में श्वास ले रहे थे इन्हील एक्सेल लोहार की धोकनी जैसे कपाल भाती में बताया है लोहार की धोकनी के समान आपको सांस लेना है सांस छोड़ना है देख लीजिए आपको सम खड़े होना है ऊपर रखते हुए समझ आया आपको इसमें आपकी जो दृष्टि रहेगी वो भ्रूमध्य दृष्टि रहेगी आज्ञा चक्र पे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया तीसरा क्रिया है ये ठीक है चौथा एक सेकंड देखिए यहाँ से ना यही क्वेश्चन आया हुआ था कि पैर परस्पर मिले हुए हैं कंध तक विभाग सरलता से सीधा रखते हुए मुख बंद करके सिर को पीछे की ओर पूर्ण रूप से झुकावे ये कौन सा अभ्यास है ना तो अभी जो आयुषी जी ने बताया उनको आप जरूर याद रखिएगा कि इस अभ्यास में हम लोग सिर को पीछे की ओर झुकाते हैं और दृष्टि भ्रूमध्य रहेगी दृष्टि भ्रूमध्य रहेगी और ध्यान आपको शिखा मंडल का शिखा मंडल ऐसे क्वेश्चन आते हैं आगे चलते हैं
चौथा क्रिया स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, इसमें भी आपकी स्थिति पैर परस्पर मिले हुए होंगे, पैरों से स्कंद तक का विभाग सरलता से सीधा रखकर पैरों से डेढ़ गज की दूरी पृथ्वी के नीचे, जो कि मैंने बताया था आपको अर्धोन्मेष दृष्टि, वो सिर्फ एक ही क्रिया पे आती है, वो है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। और इस पे आपका ध्यान रहेगा ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रधार चक्र जो हम बोलते हैं, दशम द्वार, ये उसका अन्य नाम है, वहां आपका ध्यान रहेगा। इसमें आपका दो चीज ध्यान रखना है, दृष्टि अर्धोन्मेष, जो पूरी 48 क्रिया में सिर्फ एक जगह यूज हुई है, दूसरा ध्यान आपका रहेगा ब्रह्मरंध्र दशम द्वार, ओके। और इसमें वेग बल प्रदान करते हुए श्वास प्रश्वास करें। नॉर्मल इसमें इनहेल एक्सहेलेशन रहता है, सम खड़े होंगे, दृष्टि अर्धोन्मेष, आपको अपने सिर को नीचे नहीं झुकाना है, बस आपको दृष्टि अर्धोन्मेष रखना है, पैरों से डेढ़ गज की दूरी पे। समझ में आया आपको? ओके। हाँ जी, आ गया। ओके, आ गया। यह आपका चौथा क्रिया है, स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। आ जाइए पांचवा, मेधा शक्ति विकासक क्रिया। इसमें पैर आपके परस्पर मिले हुए होंगे, पैरों के स्तन तक का विभाग आपको सीधा, नेत्र को बंद करके ठुड्डी कंठकूप से लगाएं खड़े होकर, मतलब जो हम जालंधर बंद करते हैं उसको बोला है। और इस पे हमारा जो नेत्र है वो बंद रहेगा, नेत्र बंद रहेगा। साथ ही साथ जितने जोर से श्वास प्रश्वास खींचे उतने ही जोर से श्वास को छोड़े। और इस पे हमारा जो ध्यान रहेगा वो आपका मेधा चक्र पे रहेगा, जो आप देख सकते हैं आपके गठीले भाग, आप सिर नीचे करते हैं तो आपका जो एक गठीला भाग होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, उस पे आपका ध्यान रहेगा। लाइक खड़े होंगे, नीचे करेंगे, ठीक है। इस पूरी क्रिया में ये है, ध्यान आपका जहां पे आपके बॉडी में इफेक्ट आ रहा है वहां पे आपका ध्यान जाएगा और नेत्र इसमें बंद रहते हैं, बस। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया, जैसा कि स्थिति आपको पता ही है कि दोनों पैर को मिला के रखेंगे हम और दोनों नेत्रों को पूर्णतया भ्रान बल प्रदान करते हुए भ्रूमध्य दृष्टि, मतलब आसमान की ओर हमारा फेस रहेगा, भ्रूमध्य दृष्टि रहेगा और उस पे हम एक भ्रूमध्य दृष्टि में आंखों को खोल के रखेंगे निर्निमेश, जब तक हमारे आंखों से आंसू आने जैसी स्थिति ना हो जाए, आंसू नहीं आए, आंसू आने जैसी स्थिति ना हो जाए तब तक हमारा आंख खुला रहेगा। जैसे ही आपको लगे कि आपकी आंखों में आंसू आ रहा है उससे पहले ही आप आंखों को बंद करते हुए अपने दोनों हथेली को रब करते हुए अपनी आंखों उस उष्णा को अपनी आंखों पे लगाते हुए खोल लेंगे। लाइक समझ में आया मैम, भ्रूमध्य में जब हम दृष्टि रखेंगे तो वो विनिमेश कैसे होगा? भ्रूमध्य में आपका दृष्टि रहेगा, मैंने वही बोला, आपकी भ्रूमध्य दृष्टि रहेगी, आंखें बंद नहीं होंगी, आपका फेस ऊपर रहेगा तो एक आपकी अवस्था आएगी कि आपको टकटकी लगा के ही देखना है, भ्रूमध्य दृष्टि को
तो एक अवस्था आएगी कि आपकी आंखों में आंसू जैसे आने लगेगा थोड़ा। इसको कुछ देर तक आप करेंगे लगातार, तो एक अवस्था में आप बिना पलक झपकाए रखेंगे तो आपकी आंखों में थोड़ा आंसू टाइप का आने लगेगा, आपकी आंखें पेन करेंगी थोड़ा। उससे पहले ही आपको नीचे रख के अपने दोनों हाथों को रब करके आंखें नॉर्मल कर लेनी है, समझे? ओके जी, ठीक है सर। नेक्स्ट क्रिया, कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल किसे बोला जाता है? गाल को। हाँ जी, गालों को। अब ये जो कपोल शक्ति विकासक क्रिया है, मुख को कौए की चोंच के समान, काकी मुद्रा में आप सांस को अंदर लेंगे, सने सने जैसे बोला है, सुर सुर शब्द करते हुए बलपूर्वक अंदर खींचे। श्वास खींचते समय दोनों नेत्र खुले रहेंगे, तत्पश्चात गालों को पूर्णतः फुलाकर नेत्र को बंद करके ठुड्डी को कंठकूप से लगावें। इसमें भी जालंधर बंद यूज किया है। यथा साध्य कुंभक करने के पश्चात ग्रीव को सामान्य अवस्था में लाकर दोनों नेत्र से सम देखते हुए 5 बार क्रिया को कर जाएंगे। इस क्रिया के अभ्यास से कपोल पर लाली छा जाती है। आपके गालों के लिए है, आपके गालों के पूरे मसल्स के लिए है ये। ये क्या हो रहा है इसमें ना? देखिए जैसे ये है ना, कौवे की तरह चोंच कर लिया हम लोग। गिरण संहिता में सटकर में कहाँ कहाँ लगाते हैं, किस अभ्यास में बताते हैं, बताइए जरा। तो काकी मुद्रा। हाँ, काकी मुद्रा कहाँ पे लगाते हैं अभ्यास का नाम? पुतली प्राणायाम में सर हम लोग जो पहले षटकर्म का बताइए। सर बहिष्कृत में है और वारिसार में। वात्सार ना, वात्सार दोती में। वारिसार। वारिसार में तो पानी पीते हैं ना, वात्सार दोती। अरे सॉरी सर, वात्सार में। सर में ना, तो इसी तरीके से यहाँ से पूछा जाएगा कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम में हम लोग किस क्रिया में कौवे की तरह चोंच करते, मेधा शक्ति विकासक, कपोल शक्ति वर्धक, ऐसे करके देगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना। ओके, आगे चलो। और इस पे जो आपका हाथ रहेगा वो पहले आप अपने फिंगर थंब टिप को मिलाएंगे, इस टिप को मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे, इसे मिलाएंगे। ये आपका हाथ रखने का तरीका रहेगा। ये जो नोज को आप थंब से लॉक करेंगे, हम करके दिखा देते हैं। आपके हाथ ऐसे रहेंगे, नाक को बंद, काकी मुद्रा से सांस लेंगे, इसमें आपको जब आपका सांस ना रुके उससे पहले आपको सिर ऊपर करना है, नाक को खोलना है और नाक से इनहेल करना है, सॉरी एक्सहेल करना है। इनहेल आपका मुंह से होगा काकी मुद्रा से, एक्सहेल आपका नोज से होगा, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है मैम, दूसरी बार लगातार ये अभ्यास करने के लिए दूसरे सांस को लेंगे और दूसरी बार भी जैसे आप करेंगे तो आपका हाथ इसी उस अवस्था में रहेगा। आप नोज बंद करेंगे, इनहेल करेंगे काकी मुद्रा में, श्वास अंदर लेंगे, रोकेंगे जालंधर बंद लगा के, जब तक आपका श्वास ना रुक जाए, मतलब अवस्था ना हो जाए वैसी सांस छोड़ने की, जैसी अवस्था हो जाए आप अपना फिंगर ऊपर करेंगे, नाक खोलेंगे, एक्सहेल कर देंगे नोज से। मैम सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही थी ना कि जितने बार हम अभ्यास को खत्म करेंगे हर बार ऐसे हाथ नीचे करना है क्या, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट रखे रखना है? नहीं 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 नहीं, हर बार आपका एक क्रिया खत्म होते साथ आपका हाथ नीचे आए। ओके जी।
कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। कर्ण शक्ति जैसा कि षडमुखी मुद्रा पता है आपको? यस जी, भ्रामरी के जैसा। हाँ जी, भ्रामरी के जैसा। हाँ जी, तो इसमें षडमुखी मुद्रा का प्रयोग हुआ है। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया में षडमुखी मुद्रा के साथ किया जाता है। ये हमारे कानों के लिए होता है और साथ ही साथ इसमें मुख बंद करके दोनों अंगूठों को, दोनों कर्ण को बंद करेंगे, तर्जनी उंगली से नेत्र बंद करेंगे, दोनों मध्यमा उंगली से दोनों नासिकाग्र के पास रखेंगे, अनामिका तथा कनिष्ठ उंगली, ये नाम लिख लीजिएगा आप। इस उंगलियों का नाम पूछ सकता है कि ये अनामिका उंगली या कनिष्ठता उंगली कौन सा होता है। मुख के नीचे कौवे की चोंच के समान, जैसे कि अभी हम कपोल शक्ति विकासक क्रिया में किए थे, कौवे की चोंच के समान सदृश बाहर की वायु को अंदर लेते हैं और जालंधर बन लगाएंगे, यथाशक्ति कुंभक करके ग्रीवा को समावस्था में लाते हुए दोनों नेत्रों को खोल के भीतर अंदर की वायु बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये जो भी क्रिया होता है इसमें हाथ ऊपर से ही आता है और ऊपर से ही नीचे जाएगा। ठीक है, दोनों अंगूठे से अपनी आंखों को, नेत्र, नासिका, इसमें जब हमारा हाथ खुलेगा तो ये यहीं से खुल जाएगा। ठीक है, और आप सीधा रख के नोज से एक्सहेल कर देंगे, पर आपका ये कान यहीं से ही ऐसे खुलेगा, उसके बाद आपकी हाथ हाथ नीचे आएंगे। ओके ओके जी सर, अगला ऐसा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे ना, आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, देखते रहेंगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। वैसे मैं सर एक बार मैं फिर से रिकॉर्डेड देखूंगी इसको। हाँ श्योर, ये क्लास के बाद मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ से अब क्वेश्चन बनने लग गए, इसके चलते ये पूरा आपको बताया जा रहा है ना, तो जो प्रैक्टिस में जो इंस्ट्रक्शन आपको बहुत यूनिक लगे और जो आपको लगे कि ये पूछा जा सकता है, उसको आप नोट डाउन कर लेना, कौन मुद्रा है, कौन सी दृष्टि है, सिर आगे झुका है, पीछे झुका है, दृष्टि कैसी है, उसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस से फेमिलियर नहीं रहोगे तो फिर आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे ना। ओके आगे चलो, इसमें भी जालंधर बंद लगेंगे क्या? जी, ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ये जो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया है, नौवे के दो पार्ट हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। दूसरे के हैं डाउन अप डाउन। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया के दो पार्ट हैं, नौवा क्रिया है इसका, दो पार्ट है। इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। राइट लेफ्ट अप डाउन, अप डाउन, नॉर्मल आपका श्वास रहेगा, कुछ नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, फिर इसका दसवां जो क्रिया है वो आपका आ जाता है गले की मांसपेशियों के। इसमें आप खड़े होके आपका ये जो भाग है उसे आप स्क्वीज करेंगे और छोड़ेंगे। ठीक है, ये आपके थोरेसिक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, जैसे थायराइड है उसके लिए बहुत अच्छा है, ये उसके लिए किया जाता है। इसमें इतना ही ध्यान देने का है। स्कंद तथा बहुमूल शक्ति विकासक क्रिया, बारवा क्रिया। इसमें मुख को कौवे की चोंच के समान बनाकर बाहर की वायु को भीतर खींचते हुए गाल फुलाकर ठुड्डी को कंठकूप से लगावे, दोनों हाथ को भुजाओं कंधा कड़ा करके पूर्वक ऊपर नीचे ले जावे, जिस प्रकार साइकिल में पंप द्वारा हवा भरते हैं। साइकिल में पंप तो हम सीधा भरते हैं,
बट हम इसे साइड से करेंगे। साइड से करेंगे, आप अपने दोनों हाथ की दोनों मुट्ठी बांधेंगे, काकी मुद्रा में सांस लेंगे, समझ में आया आपको? जी जी समझ में आ गया। ये हमारे स्कंद के लिए है, स्कंद यानी शोल्डर। मैम इसमें पहले क्रिया छोड़ना है या पहले गर्दन ऊपर करना है, जालंधर पर छोड़ना है? जालंधर बंद को पहले आप ऊपर करेंगे, उसके बाद फिर आप नाक से सांस छोड़ेंगे और अपने क्रिया को विराम देंगे। ओके जी। भुजबंध शक्ति विकास क्रिया, दोनों हाथ को वक्ष स्थल के सामने झटके से ले जावे तथा पीछे ले जाओ। पीछे जाते समय कुहनी पूर्व स्थिति की किंचन में पीछे ना जावे। आगे बढ़ते समय भुजाएं पृथ्वी के समांतर रहे तथा मुट्ठी सीधी रखें, अंगूठे का भाग ऊपर की ओर रहे। क्रिया करते समय श्वास की गति साधारण ही रहेगी। सर इसका फोटो भी दिखा दिए। इनको फोटो से भी बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ये देखिए अभी जो बताया ना आयुषी, स्कंद तथा बहुमूल शक्ति विकास क्रिया, इसमें आपकी स्कंद जो अंगूठे रहेंगे, जो मुट्ठियां बांधेंगे, वो सामने की ओर फेस रहेंगी। इसके दो पार्ट है सर, मतलब इसका एक और पिक्चर भी होगा सर। चलिए मैं बताती हूँ। इसमें आपके हाथ 90 डिग्री रहेंगे और आप इनहेल नॉर्मल करेंगे, आपको 90 डिग्री हैंड रखते हुए एक्सहेलेशन का आपका सांस छोड़ने का आवाज आना चाहिए। दृष्टि आपकी सम रहेगी, ठीक है? ओके। आपका ध्यान रहे, आपका कोहनी आपकी बॉडी से पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, कोहनी शक्ति विकास क्रिया। कोहनी शक्ति विकास क्रिया में आपको कोहनी को इवेंट करना है। हाथ रख के बस ठीक है, जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, हम किसी सामान को उठाते हैं तो ऊपर करते हैं। बस आपको यहाँ पे कलाई मोड़नी नहीं है, स्ट्रेट रखनी है। ठीक, पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया, मुट्ठी बांधकर दोनों नासिका ग्रंथों से बाहर की वायु श्वास होते हुए दाहिनी भुजा को अग्र से ऊपर की ओर घुमाते हुए वक्षस्थल के सम्मुख पृथ्वी को के समांतर हाथ को सामने की ओर झटके से फेंके। फिर इसी हाथ की मुट्ठी बांधकर भ्रांति तथा उल्टा घुमाएं।
ये आपका समझ में आया समझ में आया कुबान है और सामने पे झटके से फेंकना है श्वास छोड़ते हुए फिर दोनों हाथों का भी है इसी में पूर्ण भुजा शक्ति विकासक ये इजी है मेन जो आपके क्वेश्चन बनेंगे और आपके आगे से बनेंगे ये है आपका मणिबंध कलाई कलाई के लिए है इसमें सर और आप इसे थोड़ा बड़ा करिए कर्पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया कलाई के अग्र भाग को क्रिया की भांति ऊपर नीचे ले जाएं चित्र आपको सर दिखा देंगे यहां से ना अब उतने क्वेश्चन नहीं बनते नहीं आते सर इसके जो बनना था ना इधर पहले मेन से स्टार्टिंग के उससे आएंगे ये अब आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा और यहां से अब फिर कोई क्वेश्चन नहीं बनते बाकी सब जो जो बनना था ना ये खाली उंगली फिर आपका ये करतल फिर कर्पृष्ठ बस इससे ही है ये पूरा ये भी पूछ सकता है क्या कि उधर की क्रियाएं कितने होते हैं ये सब उधर की कौन सी क्रिया को क्या नाम बोला जाता है जैसे उसमें दसवीं क्रिया को नौली बताया है नौवी क्रिया को अग्निसार अग्निसार जो क्रिया है वो बताया है तो वो पूछ सकते मेन कहाँ तक बोली मैम कि कहाँ तक का क्रिया पूछ जो स्टार्टिंग में हम लोग को दृष्टि और ध्यान वो है स्टार्टिंग का दस उधर हाँ जी स्टार्टिंग का ही मेन है और आपका उधर की जो दसवीं क्रिया है वो नौली क्रिया बताया है अजगरी क्रिया सबसे पहली क्रिया अजगरी क्रिया बोला है उधर की अजगरी क्रिया मतलब जो अजगर सांप होता है अजगर सांप इतने दिन तक इसलिए जीता है क्योंकि वो धीरे धीरे सांस लेता है धीरे धीरे छोड़ता है जब भी ये क्रिया करेंगे तो आपका ध्यान रहेगा नाभि में जितने भी उधर की क्रिया है पूरी क्रिया में आपका ध्यान रहेगा नाभि स्थान ठीक है तो इसका याद रखिएगा ना कि उधर क्रिया जो होती है ये भी याद आपको उधर क्रिया इतना डीप आया नहीं है नहीं आएगा अभी तक नहीं पहुंचा है यहाँ पे ये इतना डीप नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसके जो वर्डिंग्स है वो बहुत टफ है स्टार्टिंग का पूछा जाता है मेन आपका बुद्धि तथा दृढ़ि शक्ति विकासक क्रिया स्मरण शक्ति विकासक क्रिया इसमें ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुद्धि स्मरण दोनों तो सेम होता है ऐसे बुद्धि हमारा स्मरण करने का काम तो वही करता है ऐसे होता है बुद्धि को बढ़ाने के लिए गला पीछे करते स्मरण में आगे करते और आंख आधा खुला स्मरण में है ना अर्धोन्मेष उसका वर्ड आएगा अर्धोन्मेष और उसमें भ्रीकुटी में रहता है बुद्धि धृति विकास क्रिया में और आंख में पानी आने तक खुला रखता निर्निमेष नेत्र शक्ति विकास क्रिया है ये अच्छा हाँ जी निर्निमेष आप लोग कल वो पढ़ लिए थे जो यूनिट मैंने बोला था एनाटॉमी की उपमा जी प्रीति जी सर थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ मैं प्रीति जी जी सर हरिओम विटामिन हरिओम सर पढ़ लिए थे विटामिन
हाँ जी सर, वो जैसे आपने मुझे भेजा था थोड़ा सा पढ़ा था मैंने। उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग मिला करके ना, मिला करके PYQs कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने यूनिट 3 का किया, यूनिट 4 का किया, यूनिट 2 का किया, यूनिट 9 का किया, राइट। उसी प्रकार हम लोग इसका भी कर लेंगे एक ही बार में ना, पूरे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको कर लेंगे, और साथ साथ जो अभी हम लोग ये कर रहे हैं इसके क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे पुट कर दूंगा जो ऑलरेडी आ चुके, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस बुक से, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। इस PDF को मैं क्लास के बाद अभी भेज दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसकी रिकॉर्डेड भी बुक प्रिंट नहीं हुई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म व्यायाम की कोई बुक ऐसे अलग से नहीं आती, जो एक बुक है वो यही बुक है, आपको इसी से ही पढ़ना होगा। इसमें मेन आप यही ध्यान रखिएगा जो 5-6 क्रिया है सामने का उसपे, फिर आपसे ये पूछा जाता है कितने प्रकार की दृष्टि यूज होती है इसपे, उपयोग की जाती है, तो 5 प्रकार की दृष्टि उपयोग की जाती है, मैच दी फॉलोइंग में आ सकता है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ध्यान किस पे रहेगा, तो वो जो सामने की क्रिया है उसी पे ध्यान बताया गया है, आप वो ध्यान रखिएगा। उधर की आप 10वीं क्रिया कौन सी होती है, नौली क्रिया, वो आप सभी को पता है। उससे पहले की क्रिया कौन सी है, तो अग्निसार, अग्निसार क्रिया, वो हो जाएगा। बाकी इसमें कितने क्रिया बताई गई है, तो 48 इस पे आपका आ जाएगा MCQ। और ये क्रिया किस चीज के लिए बताई गई है, सूक्ष्म व्यायाम रिलेटेड किससे है, ये पूछ सकता है कि आपकी कौन से बॉडी से है, तो ये पूरी बॉडी से रिलेटेड है ना। और इससे कोई ऐसी कुछ खास क्वेश्चन बनेंगे नहीं। हाँ, ये बोल सकता है कि ये इसके जो रचयिता है कौन है, मतलब इसका जो मेन, तो वो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। ये क्वेश्चन बहुत पहले मैथ्स का पोलिंग में आता था ना। हाँ जी, उसके बाद ये पूछ सकता है कि स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का कौन सा संस्थान है, ये एक बन सकता है, तो ये आ जाएगा मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली में जो है। बस इतने ही क्रिया इससे पूछा जाएगा, और इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू जी, वेलकम। ओके, आज ना आप लोग जा करके जो बचे हुए 4 यूनिट रह रहे हैं ना, स्टार्टिंग के सेल बोन वाला तो हो गया, उसके फिर नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको आप कर लीजिएगा, और मिला करके ये पूरा ना, आज भी आप लोग का टेस्ट नहीं होगा, हम लोग डायरेक्टली कल ही करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। प्रीति जी पढ़ रहे हैं? सर हाँ, ये मिला करके जैसे हम लोगों ने 150-200 क्वेश्चंस का 2 टेस्ट किया ना मिला करके, यूनिट 2, यूनिट 9, यूनिट 3, 4, 5, उसी प्रकार मिला करके आपका पूरा कंप्लीट एक यूनिट 6 का होगा, और साथ में जो मैंने विटामिन्स वाला दिया ना, ये आपके यूनिट 7 में, राइट। तो उसके भी क्वेश्चंस मैं उसमें पुट कर दूंगा, ताकि यूनिट 6 और 7 का लगभग आज आप जा करके क्या करेंगे, बचे हुए उस 4 यूनिट को करेंगे, और साथ साथ जो आयुर्वेद से क्वेश्चन आते हैं महाभूत मिला करके कि ये बीमारी में कौन से स्वाद वाले को खाना है नहीं खाना है, इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, हालांकि पूजा जी को समझ में नहीं आया, लेकिन वो कोई टेक्निक जानती हैं, बट अच्छी बात है अगर आपको कोई टेक्निक आती है, कोई निंजा टेक्निक आती है तो आप उसी को यूज़ करो, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे अकॉर्डिंग जाओ, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आंसर तक पहुँचो ना। तो हम लोग मिला करके यूनिट 6 और यूनिट 7 का टेस्ट करेंगे, इसी प्रकार आज ये क्लास नहीं होगा आप लोगों का, क्लास फिर ये कल ही होगा, आई होप ये रात में ही होगा, और 200-250 क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे पूरे 17 से लेकर के 23 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, आप उसको पढ़ करके रखिएगा प्रिया जी, ठीक है। आप कुछ लिख रहे थे, एक बार कॉपी दिखाइए जरा क्या लिखे हैं आप। यही सब मैं सोची कि जितना ये हो सकता है। ओके ठीक है, और इस वाले बुक को भी एक बार आप गो थ्रू, एटलीस्ट प्रैक्टिस के नाम आप जरूर देख लीजिएगा। सर मैंने सोचा कि लिखूंगी तो मैं बीच में देख नहीं पाऊंगी क्रिया को, कोई बात नहीं, तो मैंने नहीं लिखा। आप देख लीजिएगा, इसको मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर आपको कभी भी कोई भी क्रिया में दिक्कत हो तो आप सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा,
और मेरे से आप कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं, आफ्टर एग्जाम भी आप पूछ सकते हैं, बिफोर एग्जाम भी। अगर आफ्टर एग्जाम आपको 48 क्रिया सीखना है तो भी आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके सीख लीजिएगा। ओके ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हरिओम आप सभी को। हरिओम जी सर। हरिओम सर।